फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे कश्मीरी लड़कियाँ काफ़ी एडेड है, अराउंड 30,000 कश्मीरी वुमेन्स आर एडेड है। तो उस पर यूजुअली होता था कि लोग यूज टू आस्क फॉर हेल्प, काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चलाते थे एंड ओपनली लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते बिकॉज एक मिथ रह गया दिमाग में कि जब भी हम किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वो पागल हुआ होता है वो पेशेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, डिप्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जब लोग मेरे पास आने लगे, पहला एक केस था जो फिज़िकली चैलेंज्ड गर्ल का था, तो जब मेरा वो सक्सेसफुल केस रहा, उसने एक अच्छे से मेरे बारे में काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था उस ग्रुप में, तो उसके चलते मेरे पास 8 ऐसे इंडिविजुअल केसेस आए। तो अब बहुत लोग आ गए यहाँ पे, तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। 146 ऑनलाइन ऑनगोइंग केसेस है अभी मेरे पास, बट इनमें से एक चीज़ ऐसी भी मैंने देखी कि मतलब लोगों को ये भी नहीं समझ आ रहा था, दे हैड एन अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ द डिजीज। यूजुअली एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस काफ़ी बड़ा फैक्टर रहता था डिप्रेशन का, मूड स्विंग्स का, तो या एनजाइटी का। तो इस चीज़ को चलते हुए मैंने डॉक्टर शारिक मसूदी, ही इज़ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट जोड़ी इन स्किम्स, तो जो यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के हैं, तो मैंने उनसे कंसल्टेशंस ली। मैं हमेशा हर कोई केस पर्टिकुलरली उनसे डिस्कस करती रही, सर ऐसे बात है ऐसे बात, अनलेस अंटिल वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मुझे बोलते नहीं थे हाँ प्रिस्क्राइब दिस दवाई, तब तक मैं किसी को दवाई नहीं दे रही थी। इनफैक्ट क्योरिंग डिप्रेशन आई यूजुअली से पीपल नॉट टू टेक मेडिसिन। तो मैं काफ़ी मतलब पैल्पिटेशंस होने लगी थी लोगों को, एनजाइटी होने लगी, कोई अनीमिक होता था, तो उनके लिए मैं बोल देती थी कि हाँ यू कैन हैव दिस, यू कैन हैव फॉलिक एसिड, आप खाने में ये ऐड करो, वो ये ऐड करो। तो बट ऑन अ सीरियस नोट, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की दवाई या कुछ ऐसी दवाई देनी पड़ती थी, मेटफॉर्मिन देनी पड़ती थी, तो वो चीज़ मैं खुद प्रिस्क्राइब नहीं करती थी अंटिल मैं डॉक्टर से पहले कन्फर्मेशन ना लूँ कि सर मैं इनको दवाई दे सकती हूँ।